नमस्कार बच्चों, मैं निशांत कुमार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है समझेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए हमने, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी R है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, बीच की दूरी R है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच, यानी Q1 और Q2 के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों एक प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो आकर्षण बल लगेगा। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपातिक होता है, यानी Q1 × Q2। सबसे पहले क्या समझा आपने कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपातिक होता है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो नियम हो गए, दोनों नियमों को मिलाने पर पहला नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपातिक, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नियमों को मिला लेंगे। दोनों नियमों को मिलाने का F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अथवा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां के ध्यान देना, जहां के अनुक्रमानुपाती, जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हम k के स्थान पर f इक्वल टू k के स्थान पर सुविधा के लिए हम 1/4πε0 भी लिख देते हैं q1 q2 बटे r स्क्वायर। यदि आवेश का मात्रक कूलॉम, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर लिया जाए तो 1/4πε0 का मान 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। यानी ये अंतर्वापाती नियतांक है, नियतांक का मतलब जिसका मान निश्चित है, तो अर्थात 1/4πε0 का मान 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ये हमारा कूलॉम का नियम है। फिर एक बार समझेंगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपातिक, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियम मिला दिए, दोनों नियमों को मिलाने पर F अनुपातिक Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अथवा F इक्वल टू, हमने इक्वल टू लगा दिया के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां के अनुपातिक नियतांक है, इस के स्थान पर सुविधा के लिए हम 1/4πε0 लिख देते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जिसका मान 9×10⁹ मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अगली वीडियो में इससे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सकते हैं।